प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के अभिभावकों से बात की है। अभिभावकों का कंसर्न मार्किंग स्कीम को लेकर है। जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों से बात की है, उनकी चिंता को समझने की कोशिश की है, क्योंकि मार्किंग स्कीम बनानी बहुत जरूरी है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का साल होता है 12वीं का, और उसमें अगर मार्क्स अच्छे ना हो तो आगे आने वाले छात्र के भविष्य में दिक्कत आ सकती है, विदेशों में भी एडमिशन को लेकर दिक्कत आ सकती है। तो CBSE की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अचानक शामिल हुए, छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की, जानने की कोशिश की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों में बहुत कंफ्यूजन है। और विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, मैं इस बैठक से जुड़े अपडेट चाहूंगी आपसे। देखिए, दोपहर बाद ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में CBSE ने तमाम जो छात्रों के छात्र हैं उनको आमंत्रित किया था, उसके अलावा कुछ पेरेंट्स के एसोसिएशन को बुलाया था। इस बैठक का मकसद था कि 12वीं के जो छात्रों का परीक्षा परिणाम है उसके लिए किस फॉर्मूले पर किस फॉर्मूले के तहत परिणाम घोषित किए जाए, ताकि एक सर्वसम्मति से व्यापक किसी फैसले पर पहुंचा जा सके। और इसी बैठक के दौरान अचानक से पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने CBSE ऑफिस को संपर्क किया, उनकी जो वर्चुअल मीटिंग के लिंक से उसको मंगाया और पीएम सीधे जुड़ गए। अचानक पहुंचे पीएम की इस बैठक में शामिल होने से सभी लोग अचानक से चौंक गए, और उसके बाद पीएम ने वहां पर छात्रों से, उनके पेरेंट्स से, CBSE के अधिकारियों से बातचीत की। परीक्षा परिणाम जो रद्द की, परीक्षा जो 12वीं की रद्द की गई है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की, उसके असर को लेकर उन्होंने समझने की कोशिश की, और तकरीबन प्रधानमंत्री 20 से 25 मिनट इस बैठक। चलिए, ये खबर एक अच्छी उम्मीद जताती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस बैठक में जुड़े हैं, अभिभावकों से उन्होंने बातचीत की है, तो एक अच्छी तरह से जो मार्किंग स्कीम है उस पर काम किया जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।